चाचा चौधरी, गोमा और बीनू। गोमा, हमने अच्छा किया जो कॉलेज से गोता मार दिया। बीनू, क्लास में बैठकर प्रोफेसरों के नीरस लेक्चर सुनने का अपने में धैर्य कहाँ? पुर्तगाली वास्को द गामा ने कैप ऑफ गुड होप का चक्कर क्या लगाया, हमें हमेशा के लिए चक्कर में डाल गया। आज हम सारा दिन मस्ती मारेंगे और दिल बहलाएंगे। जब कॉलेज की छुट्टी का समय हो जाएगा तब घर चले जाएंगे। हमारे माँ बाप समझेंगे कि होनहार बेटे पढ़कर आ रहे हैं। ओह, गाड़ियों की बेशुमार आवाजों से तो लगता है कि इस सड़क पर बड़ा ट्रैफिक है। मैं देख नहीं सकता उस पार कैसे जाऊंगा। गोमा, आओ सूरदास से थोड़ी मस्खरी करें। आइए, मैं आपको सड़क पार करा दूं। भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे चाय पीने होटल में जाना है। हम सड़क पार आ गए, जाइए, होटल सामने है। ओह, बचाओ, मैं कहाँ गिर गया? एक बुढ़ापा, दूसरी ऊपर से अस्थमे की बीमारी। अगर डॉक्टर से दवाई न लानी होती तो मैं घर से न निकलती। चलते चलते थक गई, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लूं। सामने देखो बुढ़िया, क्यों न उससे दिल लगी की जाए। वह हमारे पीछे भाग नहीं सकती। बुढ़िया, ये छड़ी क्या बच्चों को मारने के लिए रखती हो? नहीं बेटा, एक जमाना था जब मैं जवान थी तब उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तब मैं सर्कस की कलाकार थी, लाखों दर्शकों के सामने मैं बिना संतुलन खोए रस्सी पर चलती थी। अब यह हाल है कि इस छड़ी के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। बढ़िया, हम तुम्हें एक बार फिर बगैर छड़ी के चलता देखना चाहते हैं। बेटा, अब यह संभव नहीं। संभव है, अगर यह छड़ी ही न रहेगी तो तुम खुद बखुद चलोगी। तुमने मेरा सहारा क्यों तोड़ दिया? अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी? दादी, आओ मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। बीनू, अब ऐसा मजाक करेंगे जिससे पैसों का लाभ भी हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है गोमा। देखो वह आदमी खड़ा है, अगर हम उसकी पगड़ी उतार ले तो उसे बेचकर मैटिनी शो के पैसे हो जाएंगे। यह पगड़ी तुम्हें नहीं जचती, हम इसे ले जा रहे हैं। वो पीछे आ रहा है, उसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इस हवेली में घुस चलो। बचाओ, तुम कौन हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। चाचा चौधरी की पगड़ी लेकर क्यों आए? हम कॉलेज से भागे हुए विद्यार्थी हैं। पढ़ाई से जी चुराना अच्छी बात नहीं, वापस जाओ। हाय, कमर टूट गई। पगड़ी ले आए?